अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वाचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, इंसाफ और करप्शन के खात्मे का नारा लेकर लगाकर आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे इक्तदार के 1.5 साल में ही करप्शन में पिछली हुकूमतों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम होकर 33 से 32 दर्जे पर चला गया है, और उसकी जो रैंकिंग है इसके नतीजे में पाकिस्तान की रैंकिंग भी 3 दर्जे कम होकर 117 से 120 हो गई है। टोटल मुल्कों की तादाद 180 है जिनके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अब सवालात यहां पर ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर वजह क्या हुई कि करप्शन के खिलाफ बड़े बड़े सियासतदानों को पाबंदी सलासल करने के बावजूद भी करप्शन में कमी होने की बजाय मजीद इजाफा देखने में आया है इस रिपोर्ट के तहत। अब इसकी वजह क्या है, हम इसको अंडर डिबेट लेकर आएंगे अपने आज के शो में, और साथ साथ बात करेंगे कि डेवोस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी जो मसरूफियात नजर आ रही है, अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने आज ब्रेकफास्ट मीटअप में बड़े बड़े ट्यूशन्स की जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी उनसे वो मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अवाम को दरपेश मसाइल का इदराक है हमें, मगर रिफॉर्म्स के अमल से गुजरे बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। यहां आने का मकसद कारोबारी पर्सनालिटीज को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के माहौल से आगाह करना है। वजीर आजम की मुलाकात जर्मन चांसलर से भी होती है, और उन्होंने इमरान खान को खास तौर पर अपने मुल्क के दौरे की भी दावत दी है। साथ साथ अगर मुल्क मामलात पर नजर डाली जाए तो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ पंजाब से चलने वाली तब्दीली की हवाएं जो हैं अब वो दूसरे सूबों में भी चलती नजर आ रही हैं। KP में सूबाई वुज़रा के इख्तलाफात की भी खबरें अब सामने आ रही हैं। सूबाई वुज़रा ने सूबाई अमूर में जो फेडरल की मुदाखलत है या इंटरफेरेंस है, जो बद इंतजामी है, उसके मुतालिक जो है CM को अपने रिजर्वेशन से आगाह किया है। वुज़रा जो वजीर आला हैं वो उन पर और वजीर आला अपने ही वुज़रा पर इल्जामात लगाते नजर आ रहे हैं। KP की अगर बात कर लें, और इसी तरह यही हवाएं हमें बलूचिस्तान में चलती नजर आ रही हैं, जहां बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी इन हाउस तब्दीली की बातें करना शुरू कर दी हैं। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी भी खुलकर अब सामने आती नजर आ रही है। आज अगर बात कर ली जाए तो जो आला ब्यूरोक्रेसी थी उसका सेशन होता है, जिसमें पंजाब के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मजीद अथॉरिटीज देने का और महकमों से इख्तियार अफसरों को देने का जो है फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों को इज्जत देना हक है, लेकिन किसी गलत काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन लीडर है हमजा शहबाज, वो भी आज बोलते नजर आए, और उन्होंने कहा कि तमाम सूरत हाल पर उनकी नजर है और हमने अपनी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे हैं। साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि फरवरी में शहबाज शरीफ जो है उनकी वतन वापसी होती नजर आएगी। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं क्या राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये सब कुछ इतना अचानक से क्यों होना शुरू हो गया है कि एक सूबे के बाद दूसरा सूबा, दूसरे से तीसरा सूबा, तमाम जगह ही एक जिसे कहना चाहिए केओस नजर आ रहा है या एक गैर मुतमईन सी सूरत हाल है CM और वुज़रा के दरमियान। हम इन तमाम एस्पेक्ट्स को अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे अपने आज के शो में, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई ऑनरेबल पैनल। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सैयद यावर बुखारी साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन बीबर पर ज्वाइन करेंगे जनाब लतीफ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने हमारा रन डाउन सुना, और आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो CPI की रिपोर्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, उसमें जो पाकिस्तान की रैंकिंग और स्कोर सामने आई है करप्शन के हवाले से, जिसमें कि कहा गया है कि करप्शन में इजाफा हुआ है इस साल 2019 में एज कंपेयर टू 2018। हम आपको ये भी सुनवाना चाहेंगे कि इसी करप्शन के हवाले से मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कहते नजर आए, पहले वो सुन लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द करंट रिपोर्ट हियर। लेट्स वॉच दिस फर्स्ट। तरफ कमजोर जाता पाकिस्तान की तारीख में जब भी ताकतवर का कमजोर से टाकरा हुआ, ताकतवर हमेशा जीतता है। मैंने जब 8 दिन
जनरल मुशर्रफ के दौर में जेल में गुजारे, डीजी खान के जेल में मैं 8 दिन गुजारे। आप यकीन करें मुझे एक बड़ा डाकू नहीं नजर आया। सारे बेचारे गरीब कमजोर कमजोर तरीन तबके के गरीब लोग, पता नहीं उनके घरों में क्या हो रहा होगा। और असेंबली में, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कई सारे नहीं, कई बड़े बड़े डाकू, कब्जा ग्रुप, कातिल, मुजरिम इस मुल्क के, जो लोगों ने सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया, वो आज आपको नेशनल असेंबली में नजर आते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मुल्क का नवाज शरीफ हो, जिसके बच्चे, जिसका एक बेटा 600 करोड़ रुपए के घर में रहे, दूसरा बेटा अरबोपति, तीसरी बेटी की 4 बड़े बड़े महलात मरियम बीबी के नाम पे, सबसे महंगा लंदन में इलाका उधर उसके हों, और उस मुल्क के अंदर आधी आबादी, आधे पाकिस्तान के बच्चे, क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलती ना, वो अपनी उनके दिमाग पूरी तरह पढ़ते हैं और ना वो पूरे कद पे पहुंचते हैं, क्योंकि हम उनको 2 वक्त की सही माने में रोटी नहीं दे सकते। जी अगर आप हमें इजाजत दे तो हम ऑपोजिशन से शुरुआत करना चाहेंगे। लतीफ खोसा साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो, हमने अभी आपको माजी का भी एक झलकी दिखाई है, जहां पे वजीर आजम इमरान खान साहब करप्शन पर बात करते नजर आए हैं, और हमारे सामने आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की CPI है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2018 में पाकिस्तान ने करप्शन के खिलाफ जो मेजर्स लिए उस पर पाकिस्तान का 33 नंबर था, लेकिन 2019 में पाकिस्तान का स्कोर एक नंबर की कमी के बाद अब 32 है। तो अब ये 32 हमारा स्कोर है, ये हासिल करने के ऊपर जो है पाकिस्तान का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो 3 लेवल जो है वो बढ़कर 117 से 120 लेवल पर जा चुका है। अब क्या फरमाइएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 180 के रैंक्स में पाकिस्तान का रैंक 120 आया है, क्या एक साल बाद वो हुकूमत जो कि करप्शन के खात्मे पर ही आई थी, अपनी इलेक्शन कैंपेन में उनका एजेंडा ही ये था, आज वो खुद ये प्रूफ करने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए इसमें आपने खुद ही एक्सप्लेन कर लिया, और ये कोई हमारे ऑपोजिशन का कहना नहीं है, ये तो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है जिसको दुनिया मुस्तरद मानती है, और ये उनके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं जिससे वो अपना तायिन करते हैं इस चीज का। तो मोहतरम इमरान खान साहब तो एक ही उस पर आए थे, सारी ऑपोजिशन तो चले आपने अंदर कर दी, पाबा सलासल हो गए, जेलों में आपने बंद कर दिए, बकौल आपके चले ऑपोजिशन करप्ट थी। अब क्या 1.5 साल में अगर आपकी रैंकिंग जो है माशाल्लाह तरक्की कर गई है और 3 दर्जे आप और ज्यादा करप्शन में बढ़ गए हैं, तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन मुझे ये मोहतरम इमरान खान साहब बता दें कि इन्होंने करप्शन पर जो है इस नासूर को खत्म कर दिया है। और फिर जिस तरह ये कहते थे कि जी ये तो जब हुक्मरान करते हैं करप्शन तो ही ये जो है ऊपर से जो है एक इट्स लाइक द स्नो दैट मेल्ट्स फ्रॉम द टॉप, तो ये नीचे तक जाती है। तो क्या मोहतरम इमरान खान साहब बताएंगे कि इनके और इनके काबीना में जो रोकथा है उनके क्या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या उनके कार्टेल जो है वो माफिया जो है वो शुगर माफिया ने क्या चीनी की कीमतें बढ़ा नहीं दी है? क्या उनके जो है आटा माफिया, गंदम माफिया ने क्या उन्होंने माशाल्लाह 40,000 टन अपने अफगानिस्तान में भेज दिए बगैर तायिन किए कि आपके पास स्टॉक है भी कि नहीं है? और आप अवाम में आज जो खिलबिली देखते हैं, क्या तेल के जो आपने कीमतें बढ़ा दी, क्या आपने गैस की जो जितनी अवाम पर डाल दी, क्या आपने जितना अहदाफ रखे थे टैक्स कलेक्शन के उसको क्या आपने पूरा किया? तो आपने सर्कुलर डेट की मद में जो कुछ आपने कर दिया है, GIST जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स और सेसेस आपने वसूल किए, क्या वो आपने ले लिए और 50% अपने दोस्तों को दे दिए? क्या आपने नैब के माशाल्लाह कानून में तरमीम करके अपने ही मनपसंद जो बिजनेसमैन है उनको माशाल्लाह छूट दे दी, उसमें क्या आपने किया?
तो आपने तो करप्शन में इजाफा किया है, करप्शन का मंबा आपसे शुरू हो रहा है। इमरान खान हैज मिजरेबली फेल्ड, बाकी आप इंटरनल तो बाद में डिस्कस करेंगे ना कि सूबों के। लेकिन यहाँ पर लतीफ खोसा साहब, लेकिन हमें तो आज फिरदौस आशिक आवान साहब अपनी मीडिया टॉक में कहती हुई नजर आई हैं कि 72 साल का गंद साफ करने के लिए 15 महीने काफी नहीं होते हैं, ये एक मुसलसल अमल है जिससे करप्शन को शिकस्त दी जाएगी। हम आपको पहले एग्जैक्टली सुनवा देते हैं व्हाट शी सेड टुडे, फिर हम गवर्नमेंट से भी इसका रिस्पॉन्स लेंगे। लेट्स वॉच दिस फर्स्ट। करप्शन के खिलाफ जहाद जो है ये कोई आसान अमल नहीं है, ये 72 साल का जो जड़ों में घुसा गंद है उसको साफ करने के लिए 15 महीने ना काफी है, ये मुसलसल अमल है। और इंशाल्लाह इस मुसलसल अमल से हम करप्शन ज़दा निज़ाम और करप्शन के बेनिफिशरीज जो हैं दोनों को शिकस्त देंगे। जी हम यावर बुखारी साहब आपके जानिब आएंगे, हम पहले अपोजिशन का व्यू ले लें, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं अपोजिशन में, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब। अब ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और मेंबर ऑफ असेंबली जो हैं और जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जेलों में डालने के बाद फिर भी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमारी हुकूमत में कोई करप्शन का बड़ा स्कैंडल नहीं आया, ये सब कुछ करने के बावजूद भी अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि फिर करप्शन में इजाफा कैसे हो गया? कमी की बजाय उसको सस्टेन ही कर लेते, उस स्टैंडर्ड को सस्टेन भी नहीं हुआ और कमी भी नहीं हुई बल्कि इनफैक्ट इजाफा हो गया। तो देखिए बिल्कुल ये लंबी बहस है, लेकिन ये जिस तरह इन्होंने करप्शन के खिलाफ जो जंग शुरू की हुई है वो बेसिकली करप्शन के खिलाफ नहीं है, वो तो एक बहाना है अपोजिशन को जो है डराने धमकाने का और उनको पाबंद सलासल करने का ताकि इनको जो है वो खुली छुट्टी मिल जाए और कोई इन पर तनकीद करने का सोचे तो वो ये सोचकर इन पर तनकीद करे कि उसे भी पाबंदी से हासिल कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि ये बकायदा इनके वुजरा जो थे वो बयान देते थे कि अच्छा अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है, अब ये दो बंदे रह गए हैं और जो दो चार रह गए हैं उन पर भी इन्होंने केसेस जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो ये करप्शन ये जो है एहतसाब के अमल को तो इन्होंने शुरू से मशकूक कर दिया, उसको तो इम्पार्शल रहने नहीं दिया। और फिर इन्होंने पेशावर में आपको याद है केपीके में एहतसाब के दायरे को तो अपने दौरे हुकूमत में ही उसमें बंद कर दिया था और उसके बाद अब जो है जब इनकी बारी आई, जब हवाओं का रुख बदलना था और जब उन्होंने कहा कि तोपों का रुख अब चेंज होगा जब चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो ने कहा, तो इन्होंने उससे पहले ही जो है वो एहतसाब का जो है वो ऑर्डिनेंस ले आए बगैर मुशावरत के, बगैर अपोजिशन के किसी तरह की भी इनपुट के, और कोई बिल नहीं लाए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने सिंसियर हैं। और फिर ये जो बहरान आ रहे हैं मुल्क में, ये जो आटे का बहरान है, जो गंदम का बहरान है, ये सारी करप्शन को तो अप्रिशिएट किया है, उस पर तो सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, लेकिन अब तो नहीं है ना। यहाँ पर यावर बुखारी साहब, अब ये वजीर आजम इमरान खान साहब हमें कल ही कहते हुए नजर आए थे डेवोस में, अपने खिताब में वो कहते हैं कि फौज से कशीदगी की वजह जो सबका हुकूमतें थी उनकी करप्शन की वजह से हुआ करती थी। अब अगर तमाम इदारे हुकूमत से तावुन कर रहे हैं, जैसा कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप्स जो हैं सबसे बेस्ट हैं उनके दौर में, और नैब भी पूरा एक साल जो है वो मुतहरिक रहा है, तो उसके बावजूद भी हम बेहतरी क्यों नहीं देख सके हैं, इसकी वजह क्या हुई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरजहुम। देखें अभी हम लोग अपने, जब हम अपोजिशन में थे तो हम लोग डिफरेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हम कोट करते थे कि भाई ये करप्शन इस लेवल पे है और ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो इस वजह से ऐसे हैं। देखें अभी हम अगर ये बोले ना कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हम रद्द करते हैं तो ये गलत बात होगी, पहली बात ये है। तो लेट्स एक्सेप्ट दैट रिपोर्ट, और फिर जब ये हम रिपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं तो व्हाई इज़ दैट हैपनिंग, जो आपका क्वेश्चन था। अभी मेरे सीनियर हैं लतीफ खोसा साहब, मेरे भाई साथ मेरे बैठे हुए नून के, वी हैव टू लुक एट द रीजंस व्हाई पाकिस्तान की रैंकिंग ड्रॉप हुई है। अगर आप देखें तो हम लोग जिस बात की वजह से इलेक्ट होके आए, जो हमारा नारा था दैट वाज गुड गवर्नेंस, जिसकी वजह से करप्शन में कमी आती, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होती, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती। तो एहतसाब और आई कांट हियर यू क्लियरली का था जी।
I can't hear you clearly. आपके आपका इलेक्शन कैंपेन का आपका नारा जो था वो एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड और करप्शन के खात्मे का था. Yes, I was coming to that. उसका जो सबसे बड़ा फिर इशू आता है ना कि हुआ क्या. अभी हमारी जितनी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर हम यही शोर मचाते हैं, हम यही बात करते हैं कि देर आर प्लेसेस जहां पे लेवल्स ऑफ करप्शन बढ़ गए हैं एंड ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी है. इसलिए करनी है कि हम लोग ग्रास रूट के पॉलिटिशियंस हैं, हम हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते और ना करना चाहिए. अगर हकीकत को डिनाई करेंगे तो हम लोग उसका सदबाब नहीं कर सकते. करप्शन इन प्लेसेस बड़ी है, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग पाकिस्तान ड्रॉपिंग 3 points. अभी वो कहाँ कहाँ पे बढ़ी है ये देखना है. आपने ये देखना है कि आया पीएम हाउस में करप्शन बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, एवरीवन इज वेरी क्लियर अबाउट इट. मिनिस्ट्रीज में करप्शन बढ़ी है, यू कैन सी कि कोई इतना बड़ा काम अभी तक किसी मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आया है. कोई आया है तो मुझे बता दे. करप्शन कहाँ पे बढ़ी है, कॉमन मैन के लिए, जहाँ पे महंगाई इतने अरूज पे है कि कमर तोड़ महंगाई है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स में भी करप्शन बढ़ी है. लोगों ने एक फ्री फॉर ऑल, वो जो ब्यूरोक्रेसी उस लेवल पे है उसे फ्री फॉर ऑल लेने की कोशिश की है, जिसका सदबाब सिर्फ गुड गवर्नेंस से हो सकता है. और यही पीएम साहब ने डेवोस में बार बार बात की है कि विद गुड गवर्नेंस फेलियर ये नहीं समझा जाएगा कि गुड गवर्नेंस में फिर आप लोग नाकाम रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में आप लोग फिर नाकाम रहे हैं. लेकिन एक और फैक्टर भी यहाँ पर सामने नहीं. नीलम मैं ये नहीं कहूंगा जी. नीलम मैं ये नहीं कहूंगा कि हम नाकाम रहे हैं, लेकिन लेकिन जब आप एक जख्म को जो कट इतना डीप होता है जिसके अंदर गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए, उसके ऊपर मरहम पट्टी करने के लिए, उसकी हीलिंग के लिए वक्त चाहिए. आए हम लोग 15 महीने में उस तरफ जा रहे हैं, इट्स गोइंग टेक टाइम. लेकिन देखें उसकी वजह से नीलम अभी आगे चलकर जो इस वक्त सूबों में हालात नजर आ रहे हैं एक के बाद एक सूबा जो है हमने अभी आपके सामने रखा और हम अपनी डिस्कशन को उस तरफ भी लेकर प्रोसीड करेंगे. इफ यू लेट मी मूव ऑन लतीफ खोसा साहब, एक सेकंड नीलम, इफ यू जस्ट 15 सेकंड मैं आपकी जाने पाऊंगी. यावर बुखारी साहब, वी विल गेट बैक टू यू. लतीफ खोसा साहब, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने डेवोस के इस दौरे में कहते हैं कि उनके इस विजिट को अकराम सहगल और मोहम्मद इमरान ने स्पॉन्सर किया है, जबकि ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो रिकमेंडेशंस भी दे रही है और अपनी रिकमेंडेशन में वो कह रही है कि पैसे और असर और रसूख के इस्तेमाल से करप्शन को फरोग मिलता है. तो ये सब कुछ देखते हुए क्या बेहतर नहीं होता कि वजीर आजम अपना ये विजिट जो है सरकारी खर्च पर ही जो है जाते, सरकारी खर्च पर ही जो है इस विजिट को सस्टेन करते rather than के किसी से स्पॉन्सर करवाते. और हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी रिकमेंडेशन में कह रही है कि इन्फ्लुएंस को हटाना चाहिए. तो ये ऑब्वियसली फिर अगर कुछ किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी इन रिटर्न. मैं समझता हूं कि ये तो रियासत की तौहीन है कि रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम जो है कोई उसे स्पॉन्सर करे. ये रियासत के खर्चे पर उन्हें जाना चाहिए था, भले कोई भी हो. यानी उसमें आप ऑस्टेरिटी कर सकते हो, उसमें आप जो है कमी कर सकते हो, उसमें आप जो है आम जहाज पे जा सकते हो बजाय इसके कि चार्टर्ड फ्लाइट करके जाओ, उसे आप जो है खर्चा कम उसमें कर सकते हो. लेकिन कोई स्पॉन्सर करे ये पाकिस्तान की रियासत की तौहीन है, ये 22 करोड़ अवाम की तौहीन है कि उनका चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका वजीर आजम किसी और के खर्चे पर जाए, भले वो उनका दोस्त हो, मुरब्बी हो, कोई भी हो. और आपका क्या ख्याल है कि कोई फ्री लंच आज कोई फ्री डिनर देता है? आपका क्या ख्याल है कि वो जो साहब प्राइम मिनिस्टर को स्पॉन्सर करके उस पर खर्चा, एक मिसाल है कि 1,00,000 रुपया करेगा, वो 10,00,000 वसूल करेगा और वो वसूल इस तरह करेगा कि वो सरकारी जो है जाहिर है कि करप्शन का मंबा बनेगा और वो रियासत पर और अवाम पर उसका बोझ पड़ेगा. तो ये मुझे नहीं समझ आता. मोहतरम इमरान खान साहब अगर भैंसे बेचते हैं या गाड़ियां बेचते हैं या वो नारे मारते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को या गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी या म्यूजियम बना दूंगा, तो ये मजाक करने वाली बात है. ये रियासत से इस किस्म के भोंडे मजाक करना मेरे ख्याल में
बंद कर दें और ही शुड ग्रो अप एंड एक्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री. पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान के वकार का सवाल है, इसमें जो है बिल्कुल ऐसा करने से करप्शन. ये एक और बात जो हमने इसमें यहाँ पर लतीफ खोसा साहब, हमने जब एनालाइज किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पिछली जो रिपोर्ट्स हैं, अगर उनको आप देखें तो 2010 से 2018 तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव करता है. अगर वो इम्प्रूव नहीं करा तो एटलीस्ट वो नीचे नहीं गया, बल्कि वो इम्प्रूव मुसलसल बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आया और बढ़ता हुआ नजर आया. तो अगर पिछली हुकूमतें करप्शन कर रही थी तो उसके बावजूद मुल्क तरक्की कैसे करता रहा? फिर क्या ये समझा जाए कि मुल्क तरक्की के लिए सबसे पहले गवर्नेंस के निज़ाम की बेहतरी जो है उस पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हुकूमत सिंसेयर तो लग रही है, वो करप्शन भी नहीं कर रही है, लेकिन फिर फेलियर भी सामने है और इंडेक्स भी नीचे जा रहा है और करप्शन भी बढ़ रही है मुल्क में. एक बात तो मुझे समझ नहीं आती, आप कहते हैं करप्शन नहीं कर रहे, करप्शन नहीं हो रही है या हुकूमत नहीं कर रही है या हुकूमती अकाबरीन नहीं कर रहे, खुदा रहा ये बेनिफिट ऑफ डाउट मत दीजिएगा. वो खुद मोहतरम इमरान खान साहब कहते रहे कि जब एक ये होता है डॉलर ये कम होता है या फलां होता है तो ये जो हुक्मरान है ये अपनी तजोरियां भरते हैं वगैरह वगैरह. अगर इस तरह का आपका ग्राफ नीचे जा रहा है तो आप मुबर्रा नहीं कर सकते ये सिर्फ बैड गवर्नेंस कह के या मिस गवर्नेंस कह के या लैक ऑफ गवर्नेंस कह के आप बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते. अगर आप ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट दे देते हैं, अगर आपके चीफ मिनिस्टर जिस तरह तीनों सूबों में है चीफ मिनिस्टर्स, अगर आप समझते हैं कि आप मरकज से कंट्रोल करेंगे तो मरकज से कंट्रोल करने का मतलब है कि वो तरीन साहब हो या जो भी हो, जो मतलब बराए रास्त तो नहीं है लेकिन बिलवास्ता जिनका कंट्रोल है, वो चाहे शुगर माफिया की शक्ल में आए या किसी उसमें आए, तो वो करप्शन को जन्म देता है. आप इस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट खुदारा मत दीजिएगा. इमरान खान की दयानतदारी के इतने मेरा नहीं ख्याल कि चर्चे करने की जरूरत है. जब ये इक्तदार में नहीं होंगे तो आप देखेंगे बनी गाला के जो कितनी वो अरबों रुपए. ठीक डॉक्टर फजल इकबाल साहब, अब ये जैसे कि अभी आपने लतीफ खोसा साहब की गुफ्तगू सुनी है और हम अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को देखें तो उसने करप्शन रोकने के लिए रिकमेंडेशंस भी दी हैं और इन रिकमेंडेशंस के मुताबिक वो कह रहा है कि सियासत में पैसे का असर रसूख रोका जाए, अवामी सहूलतों को जो पर्सनल बेनिफिट है जाती मफाद रखने वालों के हाथ ना दिया जाए और इलेक्टोरल साख मजबूत की जाए. ये भी कहा गया है कि गलत तशहीर पर पाबंदी लगाई जाए और शहरियों को बाख्तियार बनाया जाए और उन्होंने ये रेकमेंड भी किया है कि जो सामाजिक कारकुन है सहाफी और जो करप्शन की निशानदही करने वाले हैं उनको तहफ्फुज़ भी फराहम किया जाए. तो अब सवाल ये भी सामने आता है कि जब आपका दौरे हुकूमत था तो हुकूमत तो आपकी भी कोई दूध की धुली या साफ शफाफ नहीं थी. ये भी कहना गलत होगा कि जी आपके ज़माने में करप्शन नहीं थी, ये हम सब जानते हैं कि इतना तो साफ शफाफ मामला आपके दौरे हुकूमत में भी नहीं था, लेकिन इस हुकूमत के साथ ऐसा क्या हो गया? क्या हम इन तमाम रिकमेंडेशन जो कि हमने अभी आपके सामने रखी हैं इनमें से किसी पर भी अमल नहीं हो रहा, अमल नहीं हुआ, क्या ये ड्रॉबैक बना? जी बिल्कुल, आप देखें कि बैड गवर्नेंस की बुखारी साहब से मैं जो है बिल्कुल मुतफिक हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है और उसमें उन्होंने रूट कॉज तक पहुँचने की कोशिश की है, हालांकि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और बहुत कम इस तरह के पीटीआई में लोग हैं जो कि हकीकत का सामना करते हैं. देखिए पंजाब को ले लें आप कि इसमें गवर्नेंस आपको कहाँ नज़र आती है. आप देखें कि जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने इख्तियारात लेने के लिए 15-20 एमपीएस का एक प्रेशर ग्रुप बनाए और वो ये करे कि मुझे जो है वो खुदारा इख्तियारात मिल जाएं क्योंकि इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास हैं. और जिस तरह के आप देखें कि और फिर ये है कि इनके इत्तेहादी और सारे लोग जिस तरह गैर मुतमईन नज़र आ रहे हैं हुकूमत से, उसमें फिर ये जो है इस तरह के माफियाज, शुगर माफिया, आटा माफिया और आपके जो हैं टमाटर का बहरान, ये करप्शन की निशानदेही करते हैं. और अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंटल वर्क नहीं हो रहा और डेवलपमेंटल आप देखें कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, खुद उनके फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी ने लेटर लिखा है अपने प्राइम मिनिस्टर को कि पूरे जो है वो 17% जो है वो फंड्स रिलीज हो रहे हैं और उसमें से यूटिलाइज कितने हुए हैं. तो ये सारी जो है बैड गवर्नेंस की एग्जांपल्स हैं कि पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ पे लग रहा है. और आप जो है वो एहतसाब इसी तरह सहाफ़ी जो हैं जो बेचारे
आप देखें कि जुबान बंदी किस तरह कर दी गई है कि किसी को अपनी जो है वो माफी ज़मीर बयान करने की इजाज़त नहीं है, उन पर केसेस बन रहे हैं, मीडिया हाउसेस के फंड्स रोक दिए गए हैं। आप ये देखें ना कि किस तरह का जबर और इस्तबदाद है इस वक्त, और लोग जो हैं वो किस तरह बेचारे जो हैं पिस रहे हैं महंगाई की चक्की में, करप्शन की चक्की में, और पेरिफरी में आपको अंदाजा नहीं है कि करप्शन का लेवल क्या हो गया है। फैक्टर इस वक्त जो है नजर आ रहा है, यहाँ पर पूछ लेते हैं यहाँ पर यावर बुखारी साहब, ये जैसा कि अभी मेंशन भी किया गया और जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, एक के बाद एक जो सूबा है पंजाब के इंटरनल इख्तलाफात की खबरें तो अब तक थी, अब पंजाब के साथ साथ केपी और फिर केपी के साथ साथ बलूचिस्तान के सूबे से भी जो है इतलात आ रही हैं कि इन सूबों में भी जो अराकीन असेंबली हैं वो सूबे को ब्यूरोक्रेट्स के जरिए चलाने पर नाराज हैं, या जो अराकीन असेंबली हैं वो अपने वज़राए आला से नाराज हैं, या फिर खुद सूबाई हुकूमतें जो हैं वो प्रेशर ग्रुप के जरिए नाराजगी का तासुर दे रही हैं। ये तमाम मामला जो है अब सरफेस पर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो सवालात यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि क्या खान साहब की हुकूमत पर गिरफ्त कमजोर पड़ती नजर आ रही है, केपी में सूबाई हुकूमती जो है वजीर आतिफ खान ने हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगाया है, आज आप पूरा दिन देखते रहे कि क्या खबरें सामने आती रही हैं। हम पहले आपको सुनवा दें शौकत यूसुफ जई साहब जो है इस तमाम मामले को डिनाई करते नजर आए हैं, लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन दिस। तो ये कि मैं बाहर निकला और सारे चैनल ने फोन करना शुरू किया कि जी कोई लड़ाई हुई है, तो ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। उस खबर के अंदर ये है कि वजीर आला अपना ग्रुप बना रहा है, आतिफ खान अपना ग्रुप बना रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन करूं कि जब वजीराला बन चुका है, वजीराजम ने उस पर एतमाद कर दिया है, उसके पास पूरा इख्तियार है कि वो किसको निकाले, किसको कैबिनेट के अंदर ले, फिर उसको ग्रुप बनाने की कौन सी जरूरत पड़ती है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ना तो कोई इख्तिलाफात हैं, देखिए जमहूरियत के अंदर ये चीज होती है कि आप किसी चीज से इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप या तो कहें कि जी मैं अलग ग्रुप बना। जी जैसा कि अभी आपने सुना कि शौकत यूसुफ जई साहब कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं हुई, जब तक इमरान खान का एतमाद है महमूद खान ही वजीर आला रहेंगे। अब ये एक के बाद एक सूबे में आपके वज़ीरे आला जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं, उनसे तमाम अराकीन असेंबली जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनमें वर्किंग रिलेशनशिप नहीं जो है इस्टेब्लिश हो पा रहा, हो क्या रहा है इन सूबों में? जी जो शौकत यूसुफ़ज़ई ने बात की है, आई हैव सेड दिस ऑन सेवरल चैनल्स नॉट टुडे, इससे पहले मैं बातें करता रहा हूँ। देखिए डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत चीज़ जो होती है, जो इख्तलाफ राय हो उसको ओपनली अपने लीडर्स के साथ डिस्कस करना इज़ अ गुड साइन, इट्स नॉट अ बैड साइन। देखें जो पंजाब के जो अरकान हैं जिनके फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं 20 के, दे आर नॉट अगेंस्ट PTI, वो कह रहे हैं कि आप हमें डेवलपमेंट फंड्स दें, हमें हमारा हक दें, हम लोग ACs के नीचे काम नहीं करना चाह रहे। देखें ये एक परसेप्शन है, एक उनकी सोच है। जो भी इलेक्ट होके आता है और इलेक्शन प्रोसेस इतना मुश्किल है, जो भी वोट मांगता है वो वोट मांगने की कीमत जानता है, उसको भीख मांगना पड़ता है अपनी आवाम से, और जिनसे भीख मांगे वो उनके आगे शर्मिंदा भी नहीं होना चाहता। अगर कोई आपके पास कोई एक जेन्युइन काम लेके आता है तो देन यू वांट टू गो एंड टॉक टू योर AC, अपने DC के पास, अपने DPO के पास आप जाके बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो आपकी बात सुने। आपको अगर कोई रद्द कर दे किसी इलाके में, अगर किसी ने ये किया है और अगर उस MPA ने आवाज़ उठाई है तो उसने सही की है, मतलब ये कोई बात तो नहीं हुई ना कि एक सरकारी एक ब्यूरोक्रेट बैठा हो, वो इलेक्ट होके नहीं आया है, इलेक्ट होके हम आए हैं। और अगर जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी अगर अपने इलाके में इज्जत नहीं होगी तो ये इलेक्शन प्रोसेस खत्म कर दिया जाए, फिर इस इलेक्शन प्रोसेस को नहीं रहना चाहिए। और अगर उनको क्यों नहीं कर पा रहे इसमें मेडिएशन के लिए, क्यों नहीं कोई चैनल जो है वो हुकूमत करवा पा रही कि ये हालात बेहतर है, ये तो अब हम कब से सुन रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी नहीं। जो बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, देखिए इन MPAs का ये परसेप्शन है, ये इनकी बात है जो ये लोग आगे कर रहे हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब रेगुलरली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स करते हैं, खान साहब एज PM पंजाब में कम से कम 4 दफा आके पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स कर चुके हैं, एड्रेस कर चुके हैं। देखें सबसे बड़ा जो इशू इस मुल्क में है, इट इज नॉट द परसेप्शन, मेरी प्लीज बात सुन ले, सारे मेजर्स जो है वो
एक्सरसाइज कर लिए गए हैं और स्टिल ये हालात हैं, ये तो ज्यादा नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात अगर सुन लें, ऑलराइट यावर बुखारी साहब, अगर आप मेरी बात पूरी सुन लें, देखें देखें मसला क्या है, देखें एक परसेप्शन होता है गुड गवर्नेंस का, वन मैन शो होता है सारा, जैसे आज से माजी में रहा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ गुड डिलीवरेबल्स हैं जो सामने नजर आते हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश है शुड नॉट बी अ वन मैन आर्मी, हर एमपीए अपनी राय रखे, अपने सीएम को कॉन्फिडेंस में ले, अपने पीएम को कॉन्फिडेंस में ले, तो इस चेंज में कई जगह ऐसे आती है जहां पे ब्यूरोक्रेसी नाजायज एडवांटेज भी लेती है और वो इंडिविजुअल ब्यूरोक्रेट का माइंड सेट है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एंड इलेक्टेबल्स ये एक गाड़ी के दो पहिए जो मिलकर गुड गवर्नेंस दे सकते हैं, एंड हमने जितने बिल्स पास किए हैं, जितने लॉज पास कर रहे हैं, रिफॉर्म्स जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस उन रिफॉर्म्स का जब आपको नतीजा नजर आना शुरू होगा। ऑलराइट लतीफ खोसा साहब, ठीक यावर बुखारी साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया। लतीफ खोसा साहब, इस वक्त अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो हमारे सामने पंजाब में अरकीन असेंबली ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है, अब खैबर पख्तूनख्वा में जो सीएम महमूद खान है और वज़रा उनके दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने हैं, साथ साथ जो बलोचिस्तान असेंबली है उसके स्पीकर ने कह दिया है कि वो सीएम बलोचिस्तान जाम कमाल जो है उनको तब्दील करना चाहते हैं। ये अचानक से क्या होना शुरू हो गया है, क्या ये सब वाकई में अचानक से हो रहा है, क्या ऐसे एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स हैं कि ये तमाम सूबों में एक हार्मनी होनी चाहिए थी, एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए था ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान प्रोविंशियल, बट यहाँ पर ये क्यों आपस में गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं और तीनों ही सूबों में जो है इस वक्त हालात कुछ साजगार नहीं नजर आ रहे। नीलम लतीफ भाई, इफ यू डोंट माइंड जस्ट वन सेकेंड, नीलम ये पंजाब में दे डू नॉट कॉल देमसेल्व्स एज अ फॉरवर्ड ब्लॉक, प्लीज यू हैव टू करेक्ट दैट, दे डू नॉट, दे हैव नेवर कॉल्ड देमसेल्व्स अ फॉरवर्ड ब्लॉक, रिमेंबर दैट। लेकिन यहाँ पर हम आज भी देखते हैं कि वो नाराज वज़रा जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं और हम देखते हैं कि आज भी सेशन भी होता है और उसमें जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं आजम सुलेमान साहब, उन्होंने भी बातचीत की है, सेशन हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी इज्जत करते हैं और उनको एहतराम है, लेकिन किसी की गलत बात जो है वो कबूल नहीं होगी। तो ये नाराजगियां तो हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें तो सबके सामने हैं, गलत बात जो है वो किसी की भी मंजूर नहीं होगी, किसी की भी कबूल नहीं होनी चाहिए, बात वो हो जो हर एमपीए के इलाके के मफाद में हो और सही हो, दुरुस्त हो, विद इन द लॉ हो, इससे अगर अलग है तो चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे इलेक्टेबल है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, गलत बात जो भी करेगा गलत है। क्या आप डिनाई करेंगे कि जो 20 अरकीन सूबाई असेंबली है उन्होंने पार्टी के अंदर ही अपना ग्रुप बना लिया है? नहीं, उनके देखें देखें वो पहले आपने फॉरवर्ड ब्लॉक का, अभी आपने कहा विद इन द पार्टी एक ग्रुप बना लिए, देखें इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, अगर एक बंदा समझता है कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है, अगर वो अपनी आवाज को बुलंद करता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, वो पार्टी के खिलाफ वोट कभी भी नहीं करेंगे, पार्टी के दायरे से बाहर नहीं है, सीएम से बाहर नहीं है, पीएम से बाहर नहीं है, दे आर स्टेइंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टी और एक बात का इजहार उन्होंने किया है, सिंपल। ठीक लतीफ खोसा साहब, यहाँ पर पंजाब के मामलात आपके सामने हैं, हम दोबारा कह रहे हैं कि जो 20 मेंबर ऑफ असेंबली है प्रोविंशियल असेंबली, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी उसको कहा जा रहा है, यावर बुखारी साहब कह रहे हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पर पंजाब जो कि मेजर सूबा है उसमें अगर डिलीवरेंस नहीं होती, गवर्नेंस नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। क्या आपको लग रहा है कि यही चीज, यही वबा जो है बाकी सूबों में भी जाती नजर आ रही है, चाहे वो केपी हो या बलोचिस्तान? लेकिन नीलम, पहली बात तो ये है कि मोहतरम इमरान खान साहब को जो ये विल्ड पढ़ते हैं या जो भी करते हैं उसको, उनको कोई आइडिया ही नहीं है गवर्नेंस क्या चीज होती है, उन्होंने गवर्नेंस को मैसअप कर दिया है। अगर वो समझते हैं कि वफाकी पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम की बजाय वो प्रेसिडेंशियल, वो सदर पाकिस्तान है, या वो डिक्टेटोरियल रिजीम को समझते हैं कि ये इस्लामाबाद से वो तीनों सूबों को और वफाक को चला सकते हैं, तो उसका नतीजा यही होना था। अगर 5 दफा आपके चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पंजाब में तब्दील होते हैं, और बलूचिस्तान में तो सिर्फ ये नहीं है कि एमपीएस ने किया है, 5 वज़रा भी माशाल्लाह वो भी उनके खिलाफ है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो उन्होंने मूव चलाई है, और इसी तरह केपीके में भी, तो तीनों सूबों में, सिंध में क्यों ऐसा नहीं हो रहा?
वो इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज सिंध वफाक के जो है मुतसादिम मुतहारिब एक पार्टी की हुकूमत है उधर, और तीनों सूबों में बाकी इसलिए हो रही है कि मोहतरम इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये मरकज से, ये इस्लामाबाद से वो तीनों सूबों को रेगुलेट करें और कंट्रोल करें। देखें नीलम, बात ये है कि सियासतदान तो हम बड़े वल्नरेबल हैं, हमारे ऊपर बड़े आसान है, आप करप्शन का इल्ज़ाम लगा दें, आप कहें बहुत बुरे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन असल चीज तो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी को ये जो है जितना इन्होंने अब जो नैब का ऑर्डिनेंस तरमीम करके ब्यूरोक्रेसी को मजीद छूट दे दी है, उन्होंने अपना जो है अपने आप को जो रेजिस्ट करके इमरान खान पर हावी होकर उन्होंने अपने आप को मुस्तस्ना करवा दिया है नैब की गिरफ्त से। बाकी बिजनेसमैन तो छोड़ दें, जो उनके दोस्त से और कहा इमरान खान साहब ने कराची में एड्रेस करते हुए, मेरे दोस्त बिजनेसमैन बैठे हैं जिन पर नैब के केस हैं, वो आज बहुत खुश हुए होंगे मैंने उनको जो है इस्तिस्ना दिला दिया, नैब के चुंगल से छुड़ा आजादी दिला दी है। चले वो उनका जाती फेल है अगर वो किसी अपने दोस्त को नवाजना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को जितना बेलगाम करेंगे वो फिर इसी तरह आपके, बहुत अच्छी बात की बुखारी साहब ने कि देखें जो इलेक्ट होकर आता है अगर उसको जो है वो आवामी मसाइल को लेकर किसी डीसी के पास, कमिश्नर के पास, डीआईजी के पास, किसी एसी के पास, किसी के पास जाता है और वो उसको सुनवाई नहीं लेता है, तो मुझे बताएं उसकी क्या जमहूरियत, किस चीज को आप जमहूरियत कहते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, उनकी बात सुने, इज्जत और वकार से उन्हें दे, बनती है बात, जायज है करें, नहीं जायज नहीं है ना करें, लेकिन ये हक जो है। लेकिन यहाँ पर पंजाब में तो ब्यूरोक्रेसी वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। हम क्विकली, हमारे शो का वक्त बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, यहाँ पर आज हमजा शहबाज कहते हैं कि पंजाब की सूरत हाल पर हमारी बड़ी गहरी नजर है और हमने खिड़कियां दरवाजे खुले रखे हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो फरवरी में वापस आ रहे हैं और उन्हें नवाज शरीफ की जानिब से कह दिया गया है कि मरकज की बजाय पंजाब में आप हुकूमत बनाने पर फोकस करें। तो अब क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन जमातों और नाराज अराकीन से रबते शुरू करेगी और फिर काफ लीग के साथ आपका कोई मर्जर होता हुआ नजर आएगा पंजाब में? देखें, आज हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो है ये बिल्कुल कहा है कि हमने खिड़कियाँ दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं और हर पार्लिमानी जो भी जो पार्टी है, जो सियासी पार्टी है, उसका ये हक है कि वो जो है वो हालात पर गहरी नज़र रखे, क्योंकि हम सूबे को इस तरह बिगड़ते हुए नहीं देख सकते कि हमारे सूबे जो कि पंजाब जो कि पाकिस्तान को लीड करता है और हर शुबे में, सर्विसेज से लेके एग्रीकल्चर में और बाकी तालीम में, सेहत में, और उसकी जो आपकी गिरावट है और जो बदतरीज जो तनजली है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 14 महीने हो गए हैं अब राकी ने पार्लियामेंट के अपने जो, यावर बुखारी साहब 10 सेकंड्स आप अपना कंक्लूसिव आंसर दे दीजिएगा। इन हाउस तब्दीली की बातें तकरीबन ऑलमोस्ट हर सूबे में होती नजर आ रही हैं, क्या फरमाइएगा? देखें, तब्दीली की इन हाउस बातें जितनी भी होती रहें, एट द एंड ऑफ द डे आपको मैं बता रहा हूं यही हुकूमत चलेगी, यही चीफ मिनिस्टर होगा, यही प्राइम मिनिस्टर होगा, और हम आपको डिलीवर करके इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। हर पार्टी अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल के रखती है। खोसा साहब, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, यावर बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने का, नाजरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। वो कह रहे हैं कि वजीर आला बलोचिस्तान को हटाया जाए, अगर पार्टी ने साथ ना दिया तो हमें अपोजिशन से मिलना पड़ेगा, और उन्होंने भी इन हाउस तब्दीली की बात की है। अब ये अचानक से कहा जाए इन हाउस तब्दीली की जो गूंज है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्या ये कहीं जाकर मटेरियलाइज होती हुई नजर आएगी या ये सिर्फ गूंज ही की हद तक रह जाएगी? आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।